दोस्तों, मेरा चैनल उड़िया डिजिटल शिक्षा सीएससी उड़ीसा। आज के वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा नया प्रोजेक्ट है, सीएससी को मिला नेशनल कल्चर सर्वे एनएससी प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत सारे फ़ायदा है वेली भाइयों को। आइए उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हमें बात करते हैं। हमको सीएससी को जो मिला है एनएससीएस प्रोजेक्ट, इसका मतलब नेशनल कल्चर सर्वे प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारे फ़ायदा है वेली को। इसका नाम दिया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर, और इसके बारे में न्यूज़ भी निकला है, आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। यहाँ पे देखिए, दिनेश त्यागी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि मेरा गांव मेरा धरोहर वो प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे चलाएंगे। थोड़ा नोट कीजिए, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है भीली भाइयों को एक मोबाइल का एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मिलेगा, उस पर हम लोग को सर्वे करना है, और वो सर्वे मोबाइल के द्वारा होगा। इसलिए 4 लाख भीली भाइयों के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है, ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप एक कॉमन सर्विस वीएलई है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। 2022 में सबसे ज़्यादा कमाने वाला जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा यही प्रोजेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं इसका पहले हम लोग किए थे इकोनॉमिक सर्वे किए थे, उसमें बहुत सारे वेलियों को बहुत सारे फ़ायदे हुए थे। और ये जो प्रोजेक्ट आया है, इसके लिए हमको गर्व होना चाहिए कि हम लोग वेली है, जो कि हम लोग इतना काम कर सकते हैं देश के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नोट में लिखा हुआ है, सीएससी विल डेवलप ए मोबाइल एप्लीकेशन एंड ट्रेन द वेली एंटरप्रेन्योर, देन सर्वे हमारा स्टार्ट होने वाला है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तृत से जानना चाहते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर वेली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के साथ उनका भविष्य भी बदलने वाला है, और उनसे जुड़े लोग भी अच्छी आमदनी करने वाले हैं। कॉमन सर्विस सेंटर 2022 में चालू होने वाली ये जो न्यू सर्विस है, इसमें बहुत बेहतर आमदनी हो सकती है। उसके बारे में अधिक डिटेल जानने के लिए मेरा वीडियो देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको समझाता हूँ। ये जो कल्चर सर्वे, ये हमको ट्रेडिशनल कस्टम और आर्टवर्क जो है, वो टेक्नोलॉजी जो है, इसके बारे में हमको जानकारी देनी है। इसके लिए हमको ट्रेनिंग भी मिलेगा बहुत अच्छे तरह से, और इसमें हम रिलीजियस और डांस और आर्किटेक्चर, भोजन और रीति रिवाज, देश के अंदर जगह जगह पर अलग अलग है, सब है। इसलिए सारे संस्कृत का नियंत्रण मैप करने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने परियोजना को लेकर आई है। सीएससी भी इस समय 80 गांवों के लिए सर्वेक्षण करने की सहायता कर रहा है। समझ रही है, अभी स्टार्टिंग के लिए 80 गांवों को चुना गया है, जो कि हम लोग कर रहे हैं अभी वर्क। दोस्तों, इस सर्वेक्षण की मुख्य विशेषता यह कि 9 मानदंड पर ये ध्यान देते हुए मोबाइल ऐप के द्वारा डाटा एकत्र कलेक्ट किया जाता है, और मानदंड भरोसा, पारंपरिक भोजन और ट्रेडिशनल फूड, पारंपरिक पोषक ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन, गहने, विरासत स्थान, हेरिटेज प्लेस, त्यौहार और मेले, परंपरागत कला और शिल्प प्रसिद्ध मुख्य कलाकार है। अब देखिए, इसके पहले हमको बहुत सारे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिला, जैसे कि ई श्रम मिला है, और इसके पहले हम लोग भी सीएससी भी बहुत अच्छे तरह से काम किया हुआ है, और इसके कमीशन के बारे में हम लोग को डिटेल्स दिया गया नहीं है,
जब मेरे को अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं चाहता हूँ सब लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और शेयर भी कीजिए। हम उड़ीसा के हैं और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल जो है इंडियन कल्चर है वो यहाँ पे बहुत सारे हुए। हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और बहुत अच्छी तरह से ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।